छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने धान खरीदी के संबंध में किए गए भुगतान पर जानकारी मांगी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2019 से अप्रैल 2022 तक धान खरीदी में कुल कितना भुगतान किसानों को किया गया, साथ ही केंद्र और राज्य से कितनी राशि उपलब्ध कराई गई अब तक और कितना भुगतान किया जाना शेष है। इसके साथ ही राजीव गांधी योजना के तहत किस्त भुगतान की भी जानकारी मांगी। वहीं इस पर जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की 5,15,00,000 से ज्यादा की राशि का भुगतान कृषकों को किया गया है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना जवाब दिया। किलो धान की खरीदी की गई, यह दूसरा धोखा किसानों को दिया गया। बड़ी बड़ी बात मंत्री जी मुख्यमंत्री जी करते हैं कि हम किसानों को 2,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन जब 2,500 की बात आई तो 2,500 रुपए भी बंद कर दिया उन्होंने, और अब कहा कि हम 9,000 रुपए दे रहे हैं एकड़ पीछे, तो 2,500 रुपए देने में भी ये सरकार असफल।